सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का ब्लॉग, अभी सुबह बज रहे हैं 10:30 एंड मैं इतना लेट नहीं उठा हूँ, मैं सुबह का ही उठा हुआ हूँ, लेकिन अभी ब्लॉग बनाने का मौका मिला। जैसे कि मैं प्लान कर रहा था कि घूमना कहाँ कहाँ है, समझ रहे हो। तो आज ले चलेंगे शाम को, एंड वो शाम को सरप्राइज क्या रहेगा भाई, द गार्डन फ्लावर घूमने जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी जगह है एंड मैं सोच रहा था कि घुमा दूँ, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं नाश्ता पानी करके रेडी, नहा धोके फ्रेश होके, ये देखो डेनिम शर्ट आज ही पहना है क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ था, समझ रहे हो। एंड अभी नाश्ता वगैरह कर लिया, मैं सोच रहा था अभी पूरा अच्छे तरीके से रेंट टेबल बना लूँ, कहाँ कहाँ घूमना कहाँ नहीं घूमना, तो सारी चीज़ें दिखाएंगे, मज़ा आएगा। एंड नीचे चलो चलते हैं, नीचे का सीन दिखाते हैं, जैसे कि कल मैंने दिखाया नहीं था, और नीचे दिखाते हैं भाई। अब चलो इसे करते हैं बंद। अब हाँ लाओ दो, ये आ गया लिफ्ट एंड चलते नीचे। तो दीदी ने कहा टाटा नमक लेने के लिए, उससे पोछा लगता है मुझे, तो मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ नमक डाल के पोछा लगता है, समझ रहे हो। तो टाटा नमक लेते हैं एंड पूरा दिखाते हैं कि कॉलोनी कैसा है, कॉलोनी भाई बाकी बहुत अच्छा है, तो देखने पता चलेगा। या और पीछे से दिखाते हैं, सो तो वो थी कॉलोनी। एंड अभी चलते हैं नमक लेते हैं, नमक लेने अभी नहीं, कुछ देर बाद लेंगे। फिलहाल एक चाय की दुकान है जहाँ पर सारे मतलब जितने भी क्रिएटर हैं, मतलब क्रिएटर नहीं, वही पुराने लोग जो मूवीज़ में काम करते हैं, ठीक है। मैं तो 2 साल बाद आया हूँ यहाँ पर, अब पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन जो भी होगा मज़ा आएगा। तो चलो वो चीज़ देखते हैं, अगर होगा तो पक्का दिखाएंगे। आओ वहाँ पर चाय पीने के लिए चलते हैं। ये देखो भाई, केवल घूमो और चिल करो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हो भाई। देखो चाय का दुकान वहीं था लगता है, हट गया, नहीं आओ देखते हैं। ये है भाई, है वो चाय वाली दुकान है एंड इसी के अंदर भाई। यार चाय की दुकान तो हट चुकी है एंड अब चलो चलते हैं, फिलहाल बड़ा पाव खाते हैं, बड़ा पाव, समझ रहे हो। तो चाय की दुकान हट चुकी है, मुझे नहीं पता, मैं तो 2 साल बाद आया हूँ सूरत, तो जो भी होगा तो आओ बड़ा पाव खाते हैं, नमक लेके चलते हैं कॉलोनी में। देखो वो रही बड़े पाव की दुकान ये, तो आओ चलो खाते हैं बिना किसी देर करते हुए। This is बड़ा पाव भाई, वाकई में बड़ा पाव बहुत ही अच्छा था, मेरा दांत में चिपक रहा मतलब जो मैंने खाया बड़ा। अब लेते हैं नमक एंड लेके चलते हैं कॉलोनी में, इधर से दिखाएंगे पूरा कॉलोनी, ठीक है भाई। देखो ये ले लिया टाटा नमक एंड अब दिखाते हैं तुम्हें। तो भाई देखो ये एक तरह का ग्राउंड है, मतलब यहाँ पर अगर कोई पार्टी वगैरह करना चाहे तो उसमें कर सकता है, या पूरे कॉलोनी में कोई भी, समझ रहे हो। तो वो उसके लिए बनाया गया है एंड चलते हैं लिफ्ट से। तो भाई अब खाते हैं खाना, और ये रहा मेरा आज का खाना। तो भाई देखो खाना वाना खा के रेडी एंड खाना मुझे खाए हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए, समझ रहे हो, 3 घंटे। एंड अभी बज रहे हैं 5, और अभी देखो भाई यहाँ अभी अजोर मतलब लाइट है, सन भी अभी हमारे वहाँ तो अभी मतलब ऐसा लगता है कि भाई अंधेरा हो गया, बात ये है, समझ रहे हो। तो सूरत में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मतलब यहाँ ठंडी पड़ती ही नहीं है। तो आओ चलो चलते हैं तुम्हें घुमाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था द गार्डन फ्लावर, द गार्डेनिया, ठीक है। तो आ जाओ जो भी हो तो वहाँ चल के देखेंगे एंड मज़ा बहुत आएगा, तो चिल करना, ठीक है। तो आ जाओ। तो भाई देखो अभी मैं निकल चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पहुँचने के बाद ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने में तकरीबन 10 से 15-20 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि मैं पैदल चल रहा हूँ। देखो यही है गार्डेनिया, हमको आगे जाना है, समझ रहो। तो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, तो पैदल ही चलेंगे। तो भाई देखो सीधे वाले रोड पे आ गए, और ये देखो ये पूरा गार्डन फ्लावर का जितना है, मतलब ये
ये जितना है सारा मतलब रेलिंग लगा हुआ है कि इधर से उधर कोई ना जा पाए, लेकिन मैं चढ़ जाऊँगा ईजिली। तो इसके अंदर जाना भाई वाकई में बहुत ही तरह के, हज़ारों तरह के फूल तुम्हें देखने को मिलेंगे एंड मज़ा आएगा, सरप्राइज रहेगा। तो देखो ठीक है, तो इन्जॉय करना। वेलकम टू गार्डेनिया एंड अभी टिकट कटाना है, फिलहाल टिकट कटाते हैं उसके बाद मिलते हैं ठीक है। तो टिकट वहाँ से लेना है, आ जाओ एंड पहले टिकट कटाते हैं उसके बाद मिलते हैं ठीक है। तो टिकट यहाँ से मिलेगा, ये टिकट यार। मैम एक टिकट, हाँ 2 रुपये छुट्टा, 22 रुपये है, 23 रुपये। मैम चेंज तो नहीं, ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन कर देते हैं। तो भाई एक मिनट ऑनलाइन कर दो कैश। देखो ये रहा टिकट 23 रुपये, मतलब मेरे पास 2 रुपये छुट्टे थे और 1 रुपया मतलब मान नहीं रहे थे। मैंने कहा मैम 22 रुपये अगर एडजस्ट करना कर लो वरना ऑनलाइन में मार देता, तो वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो टू गार्डेनिया ठीक है, फ्लावर गार्डन, ये देखो कितना मस्त लग रहा है। नहीं कैमरा होगा तो जैसे फोन के लिए कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं, खाली कैमरा के लिए, कैमरा निकला तो ध्यान है। तो भाई देखो कैमरा निकलेगा तो समझ रहे हो फाइन मार देंगे, मतलब बहुत लंबे चौड़े। एंड ये देखो ये तो मैंने दिखाया, ये कहाँ दिखाया भाई, ये मैंने एक मतलब एक ब्लॉगर है, वो गर्ल है मतलब लड़की है, ब्लॉगिंग करती थी यहीं पर एंड ये चीज़ दिखाई थी, तो मैंने कहा कि हाँ भाई हो सकता है वो तो है। एंड ये अभी तो भाई फूल फूले नहीं है, लेकिन जब भी फूलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आओ सारी चीज़ें घुमाते हैं, अब देखते जाओ भाई फूलों की जन्नत में आए हो ठीक है। तो मेरी तरह आप लोग भी चिल करो। ये देखो भाई कितना मस्त लग रहा है, ये वाइट वाला, ऐसा लग रहा है मैं दुबई के जुमेरा पार्क में खड़ा हूँ, जुमेरा पार्क जो भी हो। ये इधर भी एक ही साइड है एंड इधर भी ठीक है, इधर भी वही फूल लगी हैं और इधर भी, एंड उस पर फूल लगे थे लेकिन फूल झड़ने के कारण उसका सोई बिगाड़ हो गया। और ये तो नाव बना है और ये डायमंड बना है, ये देखो तो उस पर से लग रहा है कि फूल झड़ गए हैं। धूप आ रही है इसलिए वीडियो थोड़ी काली आ रही है। ये देखो याशू, ये इसके अंदर कितना मस्त लगेगा, आओ चलो चलते हैं देखते हैं अंदर। सो अंदर चलते हैं, कोई है नहीं भाई, फ़ोटो कैसे खींचूंगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा ठीक है। ये देखो भाई इसमें तो पानी नहीं है, जब ये इसका मतलब उद्घाटन हुआ था, मैं अपने लैंग्वेज में बोल देता हूँ, जब इसका उद्घाटन हुआ था तो इसमें पानी था और लगता है किसी ने पानी भी खाली कर दिया है। तो भाई स्कैम हो रहा ज़रा सा, मतलब इसलिए इतना भीड़ नहीं है। जब ये खुला था मतलब मैं 2 साल बाद आया था तो भाई काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ था, समझ रहे हो। ये देख रहे हो यहाँ कुछ नहीं था, सारी चीज़ें खाली थी। ये देखो ये सारा चीज़ अब अच्छा लग रहा है, ये देखो कितना मस्त लग रहा है भाई, हवा भी बहुत ही अच्छी चल रही है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना पहले लगता था, मतलब पहले मैं आया था तो इसमें सारे फूल थे, समझ रहे हो, ये सारे मतलब जब ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया था तब। ये देखो मतलब ये 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ये जो 6 कोने हैं, जितने 6 कोने सारे एक ही तरह के फूल लगाए हैं, एक ही तरह के पेड़ हैं और सारे में ये अखरो ये खजूर के पेड़ हैं, समझ रहे हो। ये देखो और ये देखो बीच में सो दे दिया गया है, द फ्लावर गार्डेनिया, वाओ। लेकिन फूल की खुशबू एक भी नहीं आ रही है, इससे जाहिर होता है कि 23 रुपये में कुछ नहीं, ये ठीक है। हमारे यहाँ नौका विहार तो फ्री में जाओ भाई, जो चाहो जाओ आओ। और ये देखो पानी के फुहारे, देखो अभी तो धूप हो रहा है एंड फ़ोटो भी अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है। मैंने एक भैया को दिया तो वो फ़ोटो खींचा तो थोड़ा सा मतलब ब्लर आ रहा है, मतलब काली आ रही है क्योंकि उधर से सूर्य है। एंड केवल वीडियो में अच्छा लगेगा एंड फ़ोटो तो वैसे भी अच्छा नहीं आता है, उसे ऐड ऑन केयर बोल के यहाँ फ़ोटो शूट कराते हैं। ये देखो यहाँ तो क्लीन आएगा भाई, एक बच्चे से फ़ोटो खिंचाई वो भी बहुत ही अच्छा खींचा, वाकई में बहुत ही अच्छा। धूप के कारण उतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन फूल देखो यार, फूल देखो। एंड वहाँ चलते हैं फ़ोटो देखते हैं, अगर कोई शूट करने वाला होगा तो शूट कराएंगे। मुझे तो नहीं लगता थंबनेल अच्छा रहेगा, लेकिन यार थंबनेल देखकर उस पे जज मत करना, क्लिक कर देना, ये तो बाद में बोल रहा हूँ यार, थंबनेल ही देखोगे पहले, उसमें थोड़ी ये फूल देखो वाइट,
ये देखो कितना मस्त लग रहा है एंट्री गेट। जैसे हमारे वहाँ शादी विवाह में ऐसे टेंट नहीं होता है, वैसे मैं तो अपने शादी में ऐसे रियल स्टिक वाली लगवाऊंगा जो भी होगा, समझ रहे हो। तो जब भी होगी बताऊंगा आज से 10 साल बाद। अरे भाई ये देखो क्या बने हैं, वो देख रहे हो हाथी बने हुए हैं, ऑस्ट्रीच है, ये क्या है, ये तो बटरफ्लाई है, ये देखो, ये देखो भाई कितना मस्त लग रहा है। ये लग रहा है कि तितली है कोई, बटरफ्लाई। वो देखो ऊंट, ऊंट एंड वो मोर बनी है लेकिन उससे पूरी तरीके से पत्ते नहीं लगे हैं, उसे आई डोंट केयर बोल के। और घूमते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एंड वो देखो मेरा हार्ट बना हुआ है, हार्ट वहाँ पर सेल्फी लोग ले रही हैं। वो लोग को ना लेते हुए उनको बुरा भी लग सकता है, मतलब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कि वीडियो नहीं, समझ रहे हो। तो उनको थोड़ा सा हट जाने दो, उनको वहाँ पर रहने दो, हम लोग वहाँ चलते हैं। ये देखो ये हाथी का बच्चा, वो उसके पापा। ये देखो इसे आई डोंट केयर बोल के ये चीज़ देखते हैं, ऑस्ट्रीच। समझ रहे हो ना, ये चीज़ देखो। एंड ये देखो इसे पता है क्या बोलते हैं, ये गरुड़ है, मतलब जी का गरुड़। एक लोग से पूछे हैं तो वहाँ पर कह रहा है कि भाई गरुड़ भी बना है, तो मुझे लगता है कि गरुड़ भगवान यही है। तो ये देखो, मतलब जो भी पक्षी हो, मुझे तो पता नहीं, शुतुरमुर्ग ज़्यादा लग रहा है, गरुड़ भगवान ऐसे थोड़ी है। ये क्या, ये तो जिराफ है ये भाई। जो भी है सारे एक नंबर। लीलगाय दिखाते हैं आपको, लीलगाय ये। तो गाइस ये रहा लीलगाय और वो रहा उसका बछड़ा। नंदी महाराज लग रहे हैं यार। ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना भाई, कोई फोटो क्लिक करने वाला नहीं है। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मेरे साथ कोई है नहीं। एंड पूरा देखो द फ्लावर गार्डनिया खाली है, अभी नहीं लोग आते हैं, मतलब जैसे 5, 5:30, 6 रात में होगा, जैसे लाइट यहाँ जलती है तो काफ़ी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। एंड मैं सुबह इसलिए आया हूँ क्योंकि जीजा आ जाएंगे एंड उनके सामने, उनके नज़र के सामने रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकेगा प्लान कहीं कल घूमने का हो सकेगा उनका, मतलब पूछेंगी कहाँ गया कैसे है, परेशान होने लगते हैं ना, तो दीदी से मैंने पूछ के छुप्पे से आ गया। तो आओ ये देखो एंड देखते हैं किसी लड़के को खोजते हैं कि भाई मेरा फ़ोटो शूट कर दो, क्योंकि भाई इतना मेहनत लगता है सूरत वगैरह घूमने में, काफ़ी जगह घूमने में, एक्सप्लोर करने में, तो पैसे खर्चे होते हैं, तो वीडियो और फोटो शूट करते हैं तो अच्छा लगता है, ये रहता है कि हाँ भाई पैसा तर ही है, समझ रहे हो। तो आओ घूमते हैं भाई। फूल बहुत ही आप लोगों ने देख लिया, अब बारी है इसे नहीं देखने की, मतलब भूल भुलैया दिखा दें, आ जाओ सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से, टॉयलेट ग्रास लैंड इको ट्रेल वट एवर जो भी हो। एंड ये देखो, ये देखो लुइका भी है, भूल भुलैया में आ तो चल तो ऐसे भाई, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भूल ना जाऊँ, समझ रहे हो। ये देखो ऐसे, अबे भाई ये क्या है, देखते जाओ मार के इसमें किसी को छूट, मतलब कहीं भी छूट सकते हो, मतलब यहाँ मार के ऐसे आ जाओ, उसको पता डालो इधम से उधम से ऐसे भगा डालो, वो उधर से आएगा तुम इस गली में मिल जाओ, वो उधर से आएगा तुम ऐसे उस पार चले जाओ, यहाँ से ऐसे। ये देखो भाई ये वाकई में भूल भुलैया है। ये देखो जो मैं बाहर से दिखा रहा था, मैंने कहा नहीं यही गेट है, मतलब बाउंड्री चली हुई है। ये देखो बाउंड्री, भाई मैं तो सच में खो गया, नहीं खोया नहीं हूँ, बच्चा थोड़ी हूँ, ये तो छोटा ही है, फिर भी मैं पा जाऊँगा। ये गलत जगह आ गया मैं, अंदर चलते हैं। ऐसे चलते हैं, आ जाओ। तो देख रहे हो भाई भूल भुलैया, वाकई में नाम है तो भूल भुलैया है। ये कहाँ से आ गए, ये देखो भाई ऐसे ऐसे कैसे कोई जाए, हाँ रास्ता मिल गया, ये रहा ये देखो। तो वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ वैसे भी कुछ खास है नहीं,
वहाँ चलते हैं या वहाँ चलते हैं? वहाँ का सीन देख लिया, वहाँ का नहीं देखा लेकिन वहाँ भी चलेंगे। आ जाओ, वीडियो लंबा बनेगा लेकिन मज़ा आएगा बहुत, ठीक है, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। भाई यहाँ पर सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगी कि कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं है एंड बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, जो कि व्यू बहुत ही अच्छा है एंड पोज भी बहुत अच्छा देने वाला हूँ, जो कि कोई मतलब फ़ोटो खींचने वाला ही है मुझे दिल से बुरा लग रहा है। तसल्ली देते हैं इसे थोड़ा, मान जा भाई, ठीक है, तसल्ली हो गया। चलो चलते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, वहाँ देखते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें दिखाएंगे, कैप्चर बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, मज़ा आएगा तुम्हें भी और मुझे भी, मुझे तो मज़ा आ ही रहा है फिलहाल, तुम्हें मज़ा आए। देखो भाई रेलगाड़ी, इसमें बैठ के पूरे तुम व्यू का मजा ले सकते हो, बैठ के केवल, समझ रहे हो, ये ठीक है। ये देखो यार, यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, यही है क्या जो मैं दिखाया था, लेकिन यहाँ पर लोग बैठे हैं, उनका अगर फ्रेम में आ जाएगा तो गुस्सा करेंगे, तो वीडियो को थोड़ा बंद करते हैं, वहाँ चल के स्टार्ट करते हैं। सो भाई देखो, वहाँ तो कुछ नहीं था एंड ये देखो काफ़ी पास से, बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी तो ये जितने भी हैं मतलब फूल फरे नहीं हैं, फुलाए नहीं हैं, लेकिन जब फूलेगा तो भाई वाकई में नंबर वन लगेगा। ये देखो ये सारे, मतलब दीदी से पूछा था तो कह ये कि मई में बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है क्योंकि सारे पेड़ से भरे जाते हैं एंड ऑटोमेटिक फूल फूल जाता है, मतलब पानी भी दिया जाता है। ये देखो मशीनें लगी हुई हैं पानी वाली, देख रहे हो? तो भाई द गार्डन फ्लावर में यही है एंड आगे भी कुछ है, तो वहाँ भी चलते हैं एंड सारी चीज़ें कैप्चर करते हैं। तो मैं सोच रहा था रील एंड वीडियो शूट करने के लिए फ़िलहाल इंस्टा का, तो कोई है नहीं, तो फिलहाल समझ ही रहो अकेल कैसे कोई करे, ट्राईपोर्ट मतलब स्टिक भी नहीं लाया हूँ, समझ रहे हो, और कैमरा भी अलाउड नहीं था, तो उसको आई डोंट केयर बोल के अपना काम करते हैं, समझ रहे हो? भाई देखो सारा चीज़ दिखा दिया, मतलब एक इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है, तो आओ उन्हें भी दिखाते हैं एंड चिल करो। फिलहाल तो उनके ऊपर पूरे तरीके से पत्ते हैं, केवल चेहरा बच गया है, तो वो भी ढका जाता तो अच्छे से, मतलब उनको कोई चीन नहीं पाता, मैं तो पहचान गया, आप लोग भी पहचानो, ठीक है? तो भाई देखो ये रहे, तो भाई सोच सोच कर ज़्यादा इनका दिमाग ख़राब हो चुका है इसलिए ऐसे बैठे हैं, ठीक है? ये देखो ये तो भाई ये चिन लो, ये यहाँ आ गए तो द गार्डन फ्लावर आ गए, समझ रहे हो? बाकी हाँ कुछ दिखाने को ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह एक्साइटेड था कि भाई बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं इसे, क्योंकि फूल वगैरह मतलब पूरा सूख चुके हैं एंड कुछ काँच है जो कि इसके 100 के नाते 23 रुपये टिकट है एंड अगर फूल वूल होता तो मुझे लगता है कि 50 रुपये नीचे कोई बात नहीं करता सूरत में, समझ रहे हो? तो बाकी एंड रोहित झुंझुरके का जो घर है, फ्लैट है, सारी चीज़ें मुझे पता चल गई है, मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए, वो सरप्राइज ही रहेगा, बाद में बताऊँगा। एंड ये देखो और कुछ दिखाने के लिए है नहीं, वहाँ पर दिखा सकते हैं, तो जैसे मैं एंट्री करूँगा जब बाहर, उधर जब चलेंगे उसके बाद वो चीज़ दिखाएंगे, ठीक है? ऐसे कर रहा हूँ, इधर से कर रहा हूँ तो धूप आ रही है, मतलब काली आ रही है चेहरे, इधर से क्लीन आ रही है, समझ रहे हो? इसलिए ऐसे बना रहा हूँ, केवल ये वो और ये और वो यही है जो कि यहाँ पर 100 अच्छी तरीके से बनाई हुई है, बाकी सब एकदम कचड़ा है, समझ रहे हो? भाई देखो एक बच्ची मिली जो कि बहुत ही अच्छी थी, बहुत प्यारी थी एंड मैंने कहा बाबू मेरा एक फ़ोटो खींच दो, मतलब छोटी थी तो बाबू ही नहीं लगेगी, तो उसने खींचा, भाई वाकई में बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर, उसकी मम्मी भी बोल रही थी काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर लेती है, मतलब वो फ़ोटो काफ़ी बहुत ही अच्छा खींची है। एंड ये देखो भाई ये था लास्ट एंड हम लोग वहाँ थे, ये देखो वहाँ थे, वहाँ सारा घूम लिया, वो भी घूम लिया एंड ये देखो, एंड ये क्या लिखा है भाई, हाँ फूड कार्ट एग्जिट, मतलब यहाँ से सारा चीज़ समाप्त होता है, ठीक है? तो आओ चलो चलते हैं, बच्चों का चीज़ दिखाते हैं, ठीक है? यहाँ से समापन है, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, ऐसे ऐसे ही, यूँ एक बार बाहर गए तो दोबारा अंदर आने के लिए 23 रुपये देने पड़ेगा, 30 रुपये नहीं 23 रुपये टिकट है, मैंने तो 22 में लिया, 1 रुपया नहीं था तो मान नहीं रहे थे, फिर भी मैंने कहा कि अगर लेना हो तो ले लीजिए वरना ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, तो उनको थोड़ा झंझट लगा तो हो गया, ठीक है? और ये देखो बच्चों को खेलने के लिए, मतलब छोटे बच्चे आते हैं, जिद करते हैं कि कुछ भी खिला दो भाई, जो भी है अच्छा है, समझ रहे हो? ये देखो भाई यहाँ तो बच्चे भी खेल रहे हैं, ये चीज़ तो मैंने देखा ही नहीं, ये देखो।
आओ मैं भी झूलता हूँ उस पर, लेकिन झूलने नहीं देंगे, सारे बच्चे हैं ना। बात ये है यहाँ बस यही है जो है, ठीक है। पिज्जा पार्टी चल रही है, इसे आई डोंट केयर बोल के हम लोग चलते हैं अब बाहर। आगे चलते हैं, आगे और कुछ भी हो सकता है शायद से, मुझे नहीं पता। भाई मैं कहाँ आ गया, वहाँ से यहाँ आ गया, देखते हैं कहाँ जाता है ये। कहीं नहीं जाएगा ये तो भाई, वही जगह आ गया। ये देखो ऑफिस रूम, एंड ये वाली मैम टिकट काट रही हैं। यहाँ से टिकट कटाओ और अंदर ऐसे आ जाओ, समझ रहे हो। ये ऑफिस है उनका, उनके बॉस का। एंड ये देखो ये चाचा फिर से मिल गए, यही कह रहे थे कि कैमरा लाना अलाउड नहीं है, समझ रहे हो। एंड ये तो घर लग रहा है, यहाँ पर हिलना तो उचित नहीं होगा, मतलब नहीं जा सकते हैं ना। बात ये है नहीं जा सकते अंदर, वाइड एंट्री नहीं, ठीक है। तो फिलहाल सारा चीज़ घूम लिया, अब चलो चलते हैं बाहर, एंड यहाँ का वीडियो शूट करना है। उधर से भाई चल जाते हैं एक बार, वीडियो फोटो शूट कर लें। कैमरा लगे ले भाई ऊपर। अच्छा हाँ ये सही कह रहे हैं आप, रूल तो भाई ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे घूम के आना पड़ेगा। चलो घूमते हैं, घूमने के लिए तो आया है मैंने भाई। वाकई में यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं सब सीधे हैं भाई, एकदम जैसे कि इनको हमेशा डिजाइन किया जाता है, हमेशा इनको अच्छी तरीके से काटा जाता है, जहाँ एक पेड़ ऐसे निकला तुरंत काट लिया जाएगा कि शेप में हो, अच्छा लगे। एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे वाकई में, बहुत ही अच्छा लगा। 23 रुपया लिमिट दाम है, बहुत ही अच्छा लगा, इतना होना चाहिए, ठीक है। मतलब लो मिडिल क्लास हाई क्लास सारे लोग आ सकते हैं यहाँ पर। एंड अब चलते बाहर चलते हैं भाई, थोड़ा सा मस्ती करते हैं उसके बाद चलते हैं घर, ठीक है। भगवान ने मेरी सुन ली, आ जा। ओ भाई ये देखो, ये बच्चों के लिए है। एंड बोलने लगे कि नहीं झूलना है, मुझे भी समझ होना चाहिए कि मैं बच्चा नहीं हूँ, समझ रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगा कि वो बोले, मुझे खुद समझ होना चाहिए कि मैं बच्चा नहीं हूँ, बच्चों के लिए अलाउड है यहाँ पर केवल। अरे वो तो चूतिए हैं, वो तो समझ ही नहीं रहे हैं। ये गार्ड वाले अंकल बोल रहे हैं कि नहीं झूलना है, वो लोग झूल रहे हैं यार, गजब है। तो चलो चलते हैं फिलहाल बाहर, टिकट दे दो। टिकट लेना, टिकट तो खो गया क्या? टिकट जाए ठीक। तो भाई मैं आ गया बाहर, और ये देखो बाहर का कुछ ये सीन। आगे चलते हैं फोटो खिंचाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे घर। भाई देखो अब आ गया मेन गेट पे, एंड यहाँ से जहाँ से मतलब ऐसे घूम के आया हूँ भाई, काफ़ी दूर है वहाँ से आ रहा हूँ, समझ रहे हो। वहाँ से केवल एक फ़ोटो खींचने के लिए, तो आओ, कोई है भी नहीं, फ़ोटो कैसे खींचूँगा, बट कोई नहीं, अपने हाथ से खींच लेता हूँ। देखो फ़ोटो भी खींच लिया, एंड अब चलो चलते हैं फिलहाल घर, एंड शाम को देखते हैं प्लान क्या होता है कल का, ठीक है। क्योंकि कल जीजा कह रहे हैं कि अच्छी जगह घुमाने के लिए, तो जगह कौन सी होगी, आई डोंट केयर फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट नो, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, लेकिन फिर भी प्रेशर डाल के उसे अच्छा कर देता हूँ, समझ रहे हो। तो चलो चलते हैं फिलहाल घर, एंड मिलते हैं घर। तो भाई देखो घर आ चुके, एंड घर मुझे आए हुए तकरीबन 1 घंटे ऊपर हो गए, एंड फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूँ। अब तो खाना वाना खा के सोना ही है केवल। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं कल। आई होप एंजॉय दिस वीडियो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करना, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं गाइस कल नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।